हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आई अनुपमा वेलकम यू ऑल एट द सावर क्लासेस. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. और बकायदा जिस तरीके से आपको राइटर्स मेंशन करे जा रहे हैं उस मुताबिक आप अपने सिलेबस की प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 17, जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर केडर 2021 की विद हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस एमसीक्यूज की सीरीज का फ़ायदा उठा सकें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज द सरनेम ऑफ द फाइव सिस्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. प्राइड एंड प्रेजुडिस में फाइव सिस्टर्स का सरनेम क्या है? बैरिट, बाथरम, बेनेट या बरल. बड़ी जल्दी और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है, तो बड़ी जल्दी आप इसका जवाब देंगे. इट इज बेनेट, राइट. और हाँ जी, आप लोगों के लिए एक और न्यूज है कि कल से 6 मई से, जैसा कि आपको हर रोज इस लेक्चर में इन्फॉर्म किया जा रहा था, 6 मई से कल से हम एक नया बैच जो है, पेड ग्रुप जो है, स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जल्दी जल्दी जो लोग जो है, जिन्होंने अभी खुद को एनरोल नहीं करवाया है, वो एनरोल करवाइए टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑस्टन नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर सर वॉल्टर एलियट. वॉल्टर एलियट जेन ऑस्टन के कौन से नॉवल के कैरेक्टर हैं? मेंसफील्ड पार्क, नॉर्थेंजर एबे, परसुएशन या सेंस एंड सेंसिबिलिटी. वॉल्टर एलियट इज अ कैरेक्टर इन, वॉल्टर एलियट इन जेन ऑस्टन नॉवल. हाँ जी, मेंसफील्ड पार्क, नॉर्थेंजर एबे, परसुएजन या सेंस एंड सेंसिबिलिटी. तो ही इज द मेन कैरेक्टर इन परसुएजन, राइट. ही इज द मेन कैरेक्टर इन परसुएजन. परसुएजन के मेन कैरेक्टर हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन नॉर्थेंजर एबे द हीरोइन कैथरीन मोरलैंड एंजॉयज रीडिंग व्हाट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स. नॉर्थेंजर एबे की जो हीरोइन है कैथरीन मोरलैंड, वो किस तरह के नॉवेल्स पढ़ना उसको इंटरेस्टिंग लगता है? गॉथिक नॉवेल्स, रोमांटिक, साइंस फिक्शन या वेस्टर्न. बच्चे, वो टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली 11 to 1 या 12 to 2. 12 बजे से 2 बजे का टाइम होने के चांसेस हैं, या 11 बजे से 1 बजे तक, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फ्रॉम 12 to 2. तो कैथरीन किस तरीके की नॉवेल्स पढ़ती थी? गॉथिक नॉवेल्स, ठीक है, जो कि मिस्ट्री, मिस्टीरियस होते हैं, फुल ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर, राइट, एंड मिडीवल सेटिंग्स. ठीक है, कौन से होते हैं गॉथिक नॉवेल्स? जिनमें मिस्ट्री होती है और थोड़ा बहुत हॉरर होता है, और मिडीवल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कासल्स या रुइंस, जो पुराने किले, ठीक है, या खंडहर. क्वेश्चन नंबर फोर, What is the title of the short novel Austen wrote in 1795 but never published? Short novel, या जिसको हम नॉवेला कह देते हैं, कौन सा था जो ऑस्टन ने लिखा था, जो कि 1795 में उन्होंने लिखा था बट कभी भी पब्लिश नहीं हुआ? लेडी समांथा, लेडी सारा, लेडी शैरन या लेडी सूजन. वेरी वेल आंसर्ड, वेरी वेरी वेल आंसर्ड. येस, इट इज लेडी सूजन. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर फाइव, What book was Jane Austen writing at the time of her death? Jane Austen अपनी death के time पे कौन सा novel लिख रही थी? The Watsons, Sedition, Persuasion या Northanger Abbey. कौन सा novel जो है वो लिख रही थी at the time of her death? The Watsons, Sedition, Persuasion या Northanger Abbey. So she was writing Sedition. ठीक है, सेंडिशन लिख रही थी वो. और सेंडिशन का जो ओरिजिनल टाइटल था, सेंडिशन का ओरिजिनल टाइटल क्या था? द ब्रदर्स. सेंडिशन का ओरिजिनल टाइटल क्या था? द ब्रदर्स. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स से पहले, बच्चे हमारे तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स के मास्टर के पेड ग्रुप चल रहे हैं,
इंग्लिश का हमारा एक बैच चल रहा है, न्यू ग्रुप वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of May, कल से ही हम अगला ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, 6th May न्यू ग्रुप। तो प्लीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन करें ताकि आप अपने इस एग्जाम की पूरे, बच्चे वो आप सर से बात कर लीजिए, न्यू पेड ग्रुप इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। जिन्होंने मॉर्निंग का टाइम करवाना है वो सर से बात कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, आप सर से बात कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज नॉर्थेंजर एबे ओरिजिनली कॉल्ड, नॉर्थेंजर एबे का ओरिजिनल टाइटल क्या था, सूजन, इमेजिनेशन, कैथरीन या जर्नी टू बाथ, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नॉर्थेंजर एबे। सो नॉर्थेंजर एबे का भी ओरिजिनल नेम सूजन था, ठीक है, नॉर्थेंजर एबे का ओरिजिनल नेम सूजन था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ईयर डिड जेन ऑस्टन डाई, जेन ऑस्टन की डेथ किस ईयर में हुई थी, 1821, 1815, 1817 या 1819, किस ईयर में डेथ हुई थी जेन ऑस्टन की। सो शी डाइड इन 1817, वेरी राइट, यू ऑल आर गिविंग मी द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज जेन ऑस्टन बरीड, जेन ऑस्टन कहाँ पे उसकी डेड बॉडी बरीड है, वेस्टमिंस्टर एबे, सेवर्टन चर्चयार्ड, सेलिसबरी कैथीड्रल या विंचेस्टर कैथीड्रल, वेयर इज जेन ऑस्टन बरीड। ओके रमा, आई विल टॉक टू सर अबाउट दैट, कहाँ पे बरीड है जेन ऑस्टन। सो शी इज बरीड इन विंचेस्टर कैथीड्रल, राइट, शी इज बरीड इन विंचेस्टर कैथीड्रल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सीज एस्टेट, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो कैरेक्टर है डार्सी का, उसका जो एस्टेट है, उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है, वो किस जगह पे बेस्ड है, रोजिंग्स में, लंदन में, पेम्बरले में या ब्राइटन में, वेयर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सीज एस्टेट। सो डार्सीज एस्टेट इज पेम्बरले, डार्सी की एस्टेट का नाम है पेम्बरले, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वॉज सीन एज द चीफ मेथड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर इंग्लिश वुमेन ऑफ द 18th century, 18th century में औरतों के लिए खुद को इम्प्रूव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, सबसे इजी मेथड क्या होता था, वेल्थ एक्विजिशन थ्रू मैरिज, एजुकेशन थ्रू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वेल्थ एक्विजिशन थ्रू लैंड या एजुकेशन थ्रू चर्च, क्या तरीका होता था औरतों के लिए अमीर होने का। ऑब्वियसली जो इस नॉवल का प्राइड एंड प्रेजुडिस का फर्स्ट जो एक लाइन है, दैट वेमेन आर इन द सर्च ऑफ फॉर्च्यून, है ना, सो मैरिज के जरिए, फिर चाहे वो बेनेट सिस्टर्स के कैरेक्टर में या शार्लट के कैरेक्टर में, है ना, शार्लट भी इसलिए मिस्टर कॉलिन से शादी करती है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, अच्छी पेट्रन होती है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज जेन ऑस्टन्स फेवरेट राइटर, जेन ऑस्टन के फेवरेट राइटर कौन थे, सोफी ली, सैम्यूल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग या सैम्यूल जॉनसन, हु वॉज जेन ऑस्टन्स फेवरेट राइटर। सो जेन ऑस्टन्स फेवरेट राइटर वॉज सैम्यूल जॉनसन, बच्चे सैम्यूल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग को तो वो इतना पसंद ही नहीं करती थी, हेनरी फील्डिंग और सैम्यूल रिचर्डसन को तो वो इतना पसंद ही नहीं करती थी, उनके वर्क्स में तो वो कमियां निकालती थी, पता है आपको, उनके वर्क्स में कमियां निकालती थी कि ये किस तरह के वर्क्स लिख रहे हैं, ठीक है, सो सैम्यूल जॉनसन को लाइक करती थी वो। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट वे इज जेन ऑस्टन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लास लिमिटेड, जेन ऑस्टन जो एक क्रिटिसिज्म करती हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की, वो लिमिटेड कैसे है, शी ओनली क्रिटिसाइजेज द अनसिंपैथेटिक कैरेक्टर्स, She does not seem to take it seriously herself. She is overly pessimistic about social change. Yeah, she ignores the lower class entirely. Limited kaise hai? So, she ignores the lower class entirely. Theek hai, dekho wo ya to middle class ya upper middle class ki baat karti hai. Theek hai? Middle and upper middle class ki baat karti hai wo. Right? So, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर नाइटलीज एस्टेट इन द नॉवल एमा,
मिस्टर नाइटली के एस्टेट का क्या नाम है एमा नॉवल में? इज इट हार्टफील्ड, मेपल ग्रव, डॉनवेल एबे या ब्रंसविक स्क्वायर? What is the name of Mr. Knightley's estate in the novel Emma? So it is Donwell Abbey, right? So the name of Mr. Knightley's estate is Donwell Abbey. It's Donwell Abbey. Are you all guessing this answer? Are you all guessing this? ओके, क्वेश्चन नंबर 14. बच्चे, ये लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत सारा स्टाफ आ नहीं रहा है. हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उस वजह से फाइल्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, इसलिए सेंड नहीं हो पा रही हैं. प्लीज कॉपरेट. आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं, इतना अच्छा नहीं है. बच्चे, गूगल पे भी मिल जाएगी, अरिहंत में भी दी हुई है, ठीक है? बच्चे, ये सारी प्रॉब्लम इसी की वजह से चल रही है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? तो हमारा स्टाफ नहीं आ पा रहा है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी प्रपोजल्स डज एमा रिसीव ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल? बच्चे, इसके बारे में आप सर से बात करिए. अगर फर्स्ट बैच वालों को सेकेंड बैच में शिफ्ट होना है तो सर से बात करिए. तो एमा रिसीव्स हाउ मेनी? शी रिसीव्स 2 प्रपोजल्स, राइट? शी रिसीव्स 2 प्रपोजल्स. क्वेश्चन नंबर 15. What was Jane Austen's first published novel? First published novel कौन सा था Jane Austen का? Emma, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility या Mansfield Park? बच्चे, उसके बारे में, उसके novels की summary Spark Notes पे available है, ठीक है? Jane Austen के जो novels की summaries हैं वो Spark Notes पे पढ़े, detail में available है. अरिहंत में भी है, ठीक है? देन रूटलेज में भी है, राइट? रूटलेज में भी है, डेविड डेशेज में भी है. अलग से कोई बुक नहीं मिलेगी आपको. द राइट आंसर इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट 18th सेंचुरी लिटरी यानर डू ऑस्टन्स नॉवल बिलोंग टू? 18th सेंचुरी के कौन से यानर को ऑस्टन के नॉवल्स बिलोंग करते हैं? मतलब सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर हैं. सेवॉय ओपेरा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, डॉक्यूमेंट्री या बेडरूम फार्स? हाँ जी, तो उसमें आपको मिल जाएगी जेन ऑस्टन की एक्सप्लेनेशन रोमांटिक एज में. रोमांटिक एज में जो नॉवल राइटर्स हैं उन नॉवल राइटर्स वालों में जेन ऑस्टन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और कुछ समरीज भी मिल जाएगी, ठीक है जी? सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ऑल राइट? कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बिलोंग करता है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स का यानर. All right. Question number 17. How old is Emma Woodhouse, the titular character protagonist of Emma? Emma ki age kitni hoti hai is novel mein, Emma mein? 19, 20, 22 ya 25? How old is Emma Woodhouse, the titular protagonist of Emma? How old is Emma? She is 20. She is 20 years old, bachche. She is 20 years old. 20 years old. 19 kyun keh rahe hain sab? She is 20 years old. Question number 18. Bachche, haan ji, unme bhi kaafi kuch hai. Par Baljinder, aap hamara paid group kyun nahi join karte? Hum log kal se hamara new paid group join kar rahe hain. Agar aap itne acche se taiyari karna chahte hain is exam ki, तो डू ज्वाइन आवर पेड ग्रुप. घर बैठे आपको पढ़ाया जाएगा, आप क्लासेस ले सकते हैं, आप नोट्स बनाएंगे, सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. दो लेक्चर्स आपको सिर्फ दिन में लगाने हैं, 2 घंटे, ठीक है? उसके बाद बाकी का टाइम आपका प्रिपरेशन का. तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए ना, कल से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं हम नया पेड ग्रुप. आपका बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, ये मार्क माई वर्ड्स, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे.
आप खुद देखेंगे कि आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है. इट्स 7000. The confined nature of women's existence in 19th century rural England explains which of the following. Women का जो confined nature था, women की existence का जो confined nature था, ठीक है, rural England में, उनमें से क्या चीज को explain करता है. Emma's obsession with matchmaking, Knightley's jealousy of Frank, Harriet's mysterious parentage या Mr. Elton's proposal. हाँ जी, उनके लिए कंसेशन है निशा, उनके लिए कंसेशन है. जिन्होंने पहले, जिन्होंने दोबारा से ग्रुप ज्वाइन करना है, उनके लिए कंसेशन है. इसके बारे में आप दीपक सर से, साहिल सर से बात कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं. ठीक है जी, इट इज ऑप्शन ए. ठीक है, जो एमा का ऑब्सेशन दिखाता था मैच मेकिंग, औरतों के लिए और तो कोई काम था नहीं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड थी लाइफ उनके लिए, कहीं आना जाना नहीं था, तो इन चीजों में वो मिक्स फंसी हुई थी, ये चीजें करने में वो लगी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट नरेशन डज ऑस्टिन यूज इन हर नॉवेल्स. किस तरह की नरेशन जो है, कौन सा नैरेटिव टेक्निक जो है ऑस्टिन यूज करती हैं अपने नॉवेल्स में. इट इज फोर्थ पर्सन ओमनिशियंट, फर्स्ट पर्सन नरेशन, स्टेरिकल आयरनी या फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स. हाँ जी, किस तरह का नैरेटिव टेक्निक यूज करती हैं जेन ऑस्टन अपने नॉवेल्स में. फोर्थ पर्सन ओमनिशियंट, फर्स्ट पर्सन नरेशन, सटायरिकल आयरनी या फ्री इनडायरेक्ट कोर्स. सो दैट इज फ्री इनडायरेक्ट कोर्स. ठीक है, ये एक तरह का थर्ड पर्सन नरेशन होता है. ठीक है, एक तरह का थर्ड पर्सन नरेशन होता है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स थर्ड पर्सन नरेशन को कहा जाता है. बट फ्री इनडायरेक्ट है तो इट कम्स अलोंग विद फर्स्ट पर्सन. कहीं कहीं पे थर्ड पर्सन हो जाता है और कहीं कहीं पे फर्स्ट पर्सन हो जाता है. ठीक है, इसीलिए इसको फ्री इनडायरेक्ट कोर्स डिस्कोर्स बोल दिया जाता है. राइट, दोनों मिले हुए होते हैं, थर्ड पर्सन है साथ में, साथ में फर्स्ट पर्सन है कहीं कहीं पे. क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज नॉर्थेंजर एबे पब्लिश्ड. नॉर्थेंजर एबे कब पब्लिश हुआ था, ऑस्टिन्स टीन ईयर्स. बच्चे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, फोर्थ पर्सन एक्चुअली होता ही नहीं है. फोर्थ पर्सन क्या, कहाँ है, कहाँ कहीं होता है फोर्थ पर्सन, तो ये तो झूठ हो गया. फर्स्ट पर्सन नरेशन मतलब, वैसे इसको टोटली फ्री इनडायरेक्ट कोर्स कहा जाता है, बट फ्री इनडायरेक्ट कोर्स के साथ मतलब उसमें ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इट्स अ कॉम्बो. ठीक है, थैंक यू कमल जी, थैंक यू. आपका प्यार ही सावल क्लासेस के प्रति हमें और ऊपर जाने के लिए इंस्पायर करता है, और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है. थैंक यू रेनू, थैंक यू सो मच. चलिए, व्हाट वाज, व्हेन वाज नॉर्थेंजर एबे पब्लिश्ड. यस, द एब्सोल्युटली राइट आंसर इज आफ्टर हर डेथ. ठीक है जी, आफ्टर हर डेथ. और तकरीबन जो नॉवेल्स हैं वो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुए थे. ठीक है, पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुए थे ज्यादातर नॉवेल्स जेन ऑस्टन के. और किसने करवाए थे, हेनरी ऑस्टन ने. ठीक है, हेनरी ऑस्टन जो कि जो जेन ऑस्टन का ब्रदर था, उसने पब्लिश करवाए थे. ठीक है, ब्रदर ऑफ जेन. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 21, Why were Austin's novels published anonymously? Austin के novel anonymously, बिना नाम के, क्या उन्होंने, उसने pen name use किया था? Posthumously means after death. By a lady. और क्या pen name use करा था Jane Austen ने? That was her pen name. By a lady. किस वजह से anonymously published करवाए थे? Her mother's insistence, her shyness, societal attitude toward women, her publisher's request. Very right. Societal attitude. क्योंकि society जो है वो accept नहीं करती थी women को as a writer. ठीक है, women को as a writer society accept नहीं करती थी, इसीलिए George Eliot वगैरह ने,
ठीक है, शार्लट ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने, उन्होंने भी, सभी ने जो है, हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ तो लिखा होता था बाय अ लेडी, या लिखा होता था बाय द राइटर ऑफ, वेरी 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 थैंक यू श्रेया, बाय द राइटर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है, ये दो पेन नेम्स यूज करे होते थे, बाय अ लेडी या बाय द राइटर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 22, Who wrote the biographical note at the beginning of Northanger Abbey? Biographical note किसने लिखा था Northanger Abbey के starting में? Austen herself, Austen's brother, Austen's father या Austen's biographer? किसने लिखा था biographical note? Very right, it was Austen's brother. Austen के brother, जो मैंने आपको अभी बताया, Henry Austen. Henry Austen ने लिखा था, ठीक है, biographical note. Question number 23. Jane Austen initially wrote Sense and Sensibility in which of the following forms? Sense and Sensibility की form क्या थी? A series of letters, an epic poem, a play या a tragedy? बच्चे हमारे MCQs हमेशा open ही चलते हैं. MCQs both for paid groups and for free students. They are open. हाँ जी, yes, it is epistolary novel. ठीक है जी, अ सीरीज ऑफ लेटर्स, इट इज एन एपिस्टलरी नॉवल, ओके, रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स की फॉर्म में लिखा होता है. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी? इनमें से कौन सी बात सेंस एंड सेंसिबिलिटी की पब्लिकेशन के बारे में ट्रू नहीं है? इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली, इट वॉज द फर्स्ट नॉवल दैट ऑस्टन पब्लिश्ड, it was published on commission, it was an immediate critical success. Picarus novel hota hai bacche ek person ke adventures ke bare mein. No. Picarus novel is different. Jahan pe ek character ek jagah se dusri jagah, dusri se teesri jagah jo hai ghoomta phirta hai aur uske adventures ki kahani hoti hai. So it was an immediate critical success. Nahi tha इमीडिएट क्रिटिकल सक्सेस, नहीं था ये नॉवल, कमीशन पे पेस जो है पब्लिश हुआ था, कमीशन मिली थी जेन ऑस्टन को इसको पब्लिश करवाने के लिए, जेन ऑस्टन को इसको पब्लिश करवाने के लिए कमीशन मिली थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं था, इट वॉज नॉट सक्सेस, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ मार्मियन रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट? वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ मार्मियन एक्चुअल में क्या है? It's a tale of wheat field, tale of Flodden field, tale of rice field या tale of field. What is the full title of Marmion? So the full title of Marmion is very good, a tale of Flodden field. It is tale of Flodden field. बच्चे critical success means critics ने उसको पहली बार जो है criticize किया था, condemn किया था. जब वो पहली बार पब्लिश हुआ था तो उसको पसंद नहीं किया गया था, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 से पहले, बच्चे ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ये टोटली फ्री हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और इनको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, अपना नाम, अपना सिटी का नाम लिख के और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए इस किसी भी नंबर पर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26, Who wrote the book Sir Walter Scott the Great Unknown? Sir Walter Scott the Great Unknown किसने लिखी थी? Samuel Johnson. हाँ जी बिल्कुल सही. Commission जो है वो publisher को दी जाती है. Esther Johnson, Esther Johnson या Oscar Wilde? Sir Walter Scott the Great Unknown किसने publish करा था, किसने लिखा था? Esther Johnson. It was written by Esther Johnson. All right. क्वेश्चन नंबर 27, विच वॉज वॉल्टर स्कॉट्स लास्ट मेजर पोएम? वॉल्टर स्कॉट की लास्ट मेजर पोएम कौन सी थी? लेडी ऑफ द लेक, मार्मियन, द लेडी ऑफ द आइल और द लॉर्ड ऑफ द आइल्स? विच वॉज वॉल्टर स्कॉट्स लास्ट मेजर पोएम? यस, वेरी गुड, इट वॉज लॉर्ड ऑफ द आइल्स, एब्सोल्यूटली राइट आंसर, इट वॉज The Lord of the Isles. Question number 28. Life of Napoleon is a biography written by Walter Scott in how many volumes? Life of Napoleon, जो कि Walter Scott ने biography लिखी थी, वो कितनी volumes में लिखी हुई है? 10, 8,
ट्वेल्व या बच्चे स्पेलिंग्स की गड़बड़ हो गई होगी बट इट इज एस्थर जॉनसन। मैं दोबारा से चेक कर लूंगी, एक बार, ठीक है, और मैं क्लियर कर दूंगी। लाइफ ऑफ नेपोलियन, कितने वॉल्यूम्स में था? वेरी गुड, इट वॉज इन 12 वॉल्यूम्स, और बच्चे वो मेलोपिक वाला भी सही था, ठीक है, वो मेलोपिक वाला भी सही था। मेलोपिक आर्नल्ड ने कहा था, मैंने आर्नल्ड ही मार्क करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द फेमस पेन नेम्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट? बच्चे मुझे बड़ी खुशी मिलती है, जितना कभी मैं आपका फायदा कर सकूं उसमें मेरी खुशी है, मेरा ही फायदा है, आप लोगों का जितना भला मैं कर सकूं मुझे उस चीज में बहुत खुशी होगी, मुझे उस चीज में बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। व्हाट आर द फेमस पेन नेम्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट? लॉरेंस टेम्पल्टन, कैप्टन क्लटरबैग। यस, बोथ ए एंड बी, राइट, बोथ ए एंड बी। द फेमस पेन नेम्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट आर बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु रिगार्डेड वेवरली एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव एवर बीन रिटन? Who regarded Waverly? Waverly जो novels थे Walter Scott के, किसने उनको जो है best works बोला? Goethe ने, Abercrombie ने, Charlotte Tinsbury या Walter Scott himself? हाँ जी बच्चे, मेरी कोशिश, बस मेरी कोशिश, बच्चे second series में हम फिर से करेंगे। हाँ जी, हु रिगार्डेड वेवरली एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स? इट वॉज गॉथ। यस, इट वॉज गॉथ, जिन्होंने गॉथ आंसर करा है, वेरी वेल डन टू दोज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वॉज वॉल्टर स्कॉट बॉर्न? वॉल्टर स्कॉट का बर्थ कब हुआ था? 26 जनवरी 1770, 15 अगस्त 1771, 4 जुलाई 1776 या 9 जून 1783? कब हुआ था बर्थ वॉल्टर स्कॉट का? 15 अगस्त, है ना, कितना आसान है हमारे लिए याद करना, हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना, हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू इवान हो द ओनली फेट दैट नाइट फियर्स इज? एक सोल्जर, ठीक है, एक नाइट जो है सिर्फ किस चीज से डरता है अपनी लाइफ में? डिसग्रेस से, गेटिंग कैप्चर्ड बाय द एनिमी, लूजिंग अ जाउस्ट और नेवर विनिंग द हार्ट ऑफ अ मेडन। किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है एक नाइट, एक सोल्जर जो होता है? ओके, एग्जाम में आया था ये, ठीक है जी, डिसग्रेस से, बदनामी से, ठीक है जी, बदनामी से डरता है जो एक सोल्जर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इवान हो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लिटरी यानर? इवान हो किस लिटरी यानर का एग्जाम्पल है? इज इट अ कॉमेडी, ड्रामा, हिस्टोरिकल रोमांस या ट्रेजेडी? व्हाट इज द यानर ऑफ इवान हो? यस, वेरी गुड, इट इज अ हिस्टोरिकल रोमांस। बच्चे मेरी कोशिश होती है गगन, मैं कोशिश करती हूँ कि आपका फायदा हो जाए, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उनमें से आपको पेपर में आ जाए, बस ये मेरी कोशिश है छोटी सी, और मैं इस चीज के लिए प्रे करती हूँ भगवान को कि ऐसा ही हो, जो चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं वही आपको पेपर में आए, तो आप लोगों का बेनिफिट हो जाए जिस भी तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द नॉवल ऑफ वॉल्टर स्कॉट डील्स विद द सीन्स इन? वॉल्टर स्कॉट के नॉवल्स ज्यादातर किस सेटिंग, सेटिंग कहाँ की होती है वॉल्टर स्कॉट के ज्यादातर नॉवल्स की? स्कॉटलैंड, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, My blessings are always with you, बच्चे, always with you. Scotland, Switzerland, America या none? Very right answer. It is Scotland. Scotland होती है ज्यादातर setting Walter Scott के novels की. Question number 35. Because of whose refusal that the post of poet laureate went to Robert Southey in 1813? Robert Southey को किसकी वजह से जो है poet laureate की post गई थी
किसने जो है इस पोस्ट को रिफ्यूज कर दिया था? हेनरी जेम्स ने, वॉल्टर स्कॉट ने, जेन ऑस्टन ने या जॉन कीट्स ने? थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट. तो इट वॉज येस, वॉल्टर स्कॉट को ये पोजिशन दी गई थी बट ही रिफ्यूज इट, और उसकी बदौलत जो है रॉबर्ट साउदी को ये पोस्ट मिली थी 1813 में. क्वेश्चन नंबर 36, होम डज इवान हो मैरी एट द एंड ऑफ द नॉवल? इवान हो किससे शादी करता है कहानी के एंड में? रोवेना, रेबेका, आइसोल्ड या इवान हो डज नॉट मैरी इन द नॉवल? किससे शादी करता है इवान हो इन द एंड ऑफ द नॉवल? इवान हो किससे शादी करता है? इवान हो, ही मैरिज रोवेना. यस, ही मैरिज रोवेना. इस बार हो जाएगा निशा, थैंक यू अर्शनूर. इस बार सभी का हो जाएगा पेपर क्लियर पक्का, ठीक है? इट्स रोवेना, रोवेना से होती है बच्चे उसकी शादी, रेबेका से नहीं. क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द ब्लैक नाइट इन इवान हो? इवान हो में ओरिजिनली जो ब्लैक नाइट होता है वो कौन होता है? रॉबिन हुड, इवान हो, रेजिनाल्ड फ्रांट डी बोफ या किंग रिचर्ड वन? बच्चे वैकेंसीज फिर से आ जाएंगी, वैकेंसीज फिर से आ जाएंगी. इट इज किंग रिचर्ड वन, इट इज किंग रिचर्ड वन. बच्चे शेक्सपियर के वर्ड्स अगर हम गूगल पे खोलते हैं ना तो गूगल पे सीधा लिखा आएगा 1700 वर्ड्स बाय शेक्सपियर, 1700 वर्ड्स बाय शेक्सपियर. पर मुझे भी अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लिंग्विस्टिक्स जब पढ़ी थी तो वहां पे भी मैंने पढ़ा था 2 to 3000 वर्ड्स. मैंने पढ़ा था शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 to 3000 वर्ड्स. ओ दैट्स ग्रेट श्रेया, दैट्स ग्रेट. ठीक है, तो 1700 तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, 2 to 3000 वर्ड्स मैंने पढ़े थे किसी जो है लिंग्विस्टिक्स की बुक में, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 38, द एम्फेसिस इन इवान हो इज ऑन द कंफ्लिक्ट बिटवीन विच टू ग्रुप्स? किन दो ग्रुप्स में कंफ्लिक्ट हो रहा होता है इवान हो में? रोमन्स सेल्स, रोमन्स नॉर्मन्स, सेक्सन्स या सेल्स, सेक्सन्स या नॉर्मन्स? हाँ जी बच्चे, ये भी अप्रोक्सीमेटली हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली हैं. तो दे आर सेक्सन्स एंड नॉर्मन्स, दे आर सेक्सन्स एंड नॉर्मन्स. बच्चे काफी कुछ देखो हमारी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है. कई बार हम पेपर में जाके थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं, है ना? ये सभी के साथ होता है, मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं. कई बार हम आती हुई चीज जो है वो भी गलत कर जाते हैं, ठीक है? लेकिन बस मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जब पहली बार में आंसर आपको जो आंसर क्लिक करता है ना, जब पहली बार में जो आंसर क्लिक करता है उसको मार्क कर दो. जब हम उस आंसर को लेके सोचने लग जाते हैं ना, नहीं ये लग रहा है, अरे नहीं 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 ये लग रहा है, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं. इट मीन्स तो अपने दिल की सुनो, क्योंकि जो हमने पढ़ा होता है वही एकदम से हमारे आंखों में ना, हमारी आंखों के आगे आ जाता है, ठीक है? बच्चे पेपर पक्का होगा, पेपर पक्का होगा. बच्चे ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, और इस चीज में मैं खुद को बहुत जो एक कह लो लकी मानती हूं कि मैं आप लोगों को जो भी दे सकती हूँ, चाहे वो कॉन्फिडेंस है चाहे वो नॉलेज है, वो मैं दे पाती हूँ, ठीक है? तो अपने दिल की सुना करो, ज्यादातर अपने दिल की सुना करो जब आंसर्स मार्क करने होते हैं, और थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ स्टाइल इन लाइफ टाइम एंड ड्रामा दैट मॉक्स और इमिटेट्स अ सब्जेक्ट बाई रिप्रेजेंटिंग इट इन एन आयरोनिक और ल्यूडिक्रस वे रिजल्टिंग इन कॉमेडी. हाँ जी, ये कौन सा स्टाइल होता है लिटरेचर का जहाँ पे मॉकरी होती है और किसी सब्जेक्ट की इमिटेशन होती है, बाय रिप्रेजेंटिंग इट इन एन आयरोनिक और ल्यूडिक्रस वे? इज इट फार्स, बर्लेस्क, कॉमेडी या ट्रेजेडी? वेरी गुड रवीना, आपके आंसर्स बड़े क्विक होते हैं, वेरी वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड रवीना.
यस इट इज अ बर्लेस्क, ठीक है, जिसमें इमिटेशन होती है, ठीक है, मॉकरी होती है आयरोनिक स्टाइल में, मजाकिया स्टाइल में, ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डैश इज अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजली बट नॉट ऑलवेज इन फोर लाइन स्टैंजास कॉल्ड क्वाट्रेन्स. हाँ जी, क्या होता है, कौन सी पोयम जो हमेशा एक स्टोरी सुनाती है? इज इट अ लिरिक, सोनेट, एलिजी या बैलेट? हाँ जी बच्चे, दिन के कम से कम 3-4 घंटे लगाओ लगातार, दिन के 3-4 घंटे लगाओ, इन चीजों को पढ़ पढ़ के देखो, लिख लिख के देखो. रोज के एक राइटर भी अगर आप कर रहे हो, कम से कम 2 राइटर्स कवर करो एक दिन के. अगर शेक्सपियर है, शेक्सपियर जैसा कोई राइटर है तो वो नो डाउट एक ही होएगा, ठीक है. अगर कोई लेंथी राइटर है तो वो एक ही होएगा एक दिन में. बट अगर कोई छोटे राइटर्स हैं तो वो 2 कर लो एक दिन में. और चीज़ों को ना लिख लिख के देखो, ठीक है बच्चे. टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि आपको 5 मिनट भी मिलते हैं ना तो बस किताब उठा लो, फोन मत उठाओ, फोन मत उठाओ. हाँ जी बच्चे, एक तरह की पोयम होती है राउंडल. सैमुअल बटलर जो हमारे में हुडी ब्रास वाला है बच्चे, सैमुअल बटलर हुडी ब्रास वाला एक पोएट भी है. पोएट हमने नहीं करना है. सोना भूल जाओ, बाहर कहीं जाना छोड़ दो, वो वैसे भी बंद है, ठीक है. फोन देखना बंद कर दो, फोन देखना बंद कर दो, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम सब कुछ उड़ा दो, सिर्फ व्हाट्सएप चलने दो, ठीक है. उसको भी बंद कर दो जब पढ़ाई कर रहे हो, फोन को हाथ मत लगाओ और लगातार बैठो, ठीक है. आप लोगों में से बहुतों के बच्चे भी होंगे, तो जब बच्चे सो जाते हैं अपना नींद सब कुछ भूल जाओ. मैं तो सब कुछ भूल गई थी, मैंने जब नेट का एग्जाम दिया था, आई स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग, ठीक है. तो जब भी मुझे टाइम मिलता था बस मैं और मेरी किताबें. मैं अपनी बेटी के उठने से पहले उठ जाती थी, राइट, और फिर उसको सुला के जो है फिर रात को पढ़ा करती थी, ठीक है. तो बस यही है टाइम मैनेजमेंट, राइट. थैंक यू एवरी. हाँ जी, कल के लिए राइटर्स रह गए. कल के लिए आप राइटर्स प्रिपेयर करेंगे रोमांटिक एज में से. जो राइटर्स आपने प्रिपेयर करने हैं कल के लिए, दोज राइटर्स आर दैट इज मैरी शेले. बहुत माइनर राइटर्स रह गए अब, ये मैरी शेले, तो ये मैं इकट्ठे ही दे दूंगी. मैथ्यू, ग्रेगरी लुइस, इनके कोई ज्यादा वर्क्स है नहीं है. मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट, ली हंट, राइट. ये चारों राइटर्स हमारे रह गए और ये चारों ही आप कल के लिए प्रिपेयर करेंगे. दे आर मेरी मेनी राइटर्स, दे आर मेनी, लाइक दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फ्यू वर्क्स आर देयर, राइट. तो कल से हम हमारा नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है. सारी समरीज नहीं पढ़नी है बच्चे, ओनली इम्पॉर्टेंट वंस, ओनली इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है. नया पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए प्लीज इस ग्रुप के लिए, जो भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहती हैं, ठीक है जी. चलिए, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा फर्क मॉर्फ और मॉर्फीम का, ठीक है. मॉर्फ और मॉर्फीम का बच्चे, मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. और मॉर्फ होता है पार्ट ऑफ अ वर्ड और अ वर्ड दैट हैज फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी. मॉर्फ में हम फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, इसकी जो है हम प्रोनंसिएशन देखेंगे.
ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है. अब जैसे बोलो हमने लिखा काइंड, ठीक है, काइंड हमारा मीनिंगफुल वर्ड है. इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फोनीम्स रह जाएंगे. पर अगर हम इसके आगे अन लगाते हैं, ठीक है, अन लगाते हैं, तो ये कितने मॉर्फीम्स हो गए? दो मॉर्फीम्स. ठीक है, कितने मॉर्फीम्स हैं? अन प्लस काइंड, राइट. सो कितने हो गए, कितने मॉर्फीम्स हो गए यहां पे? टू मॉर्फीम्स अगेन. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां पे कहें अन प्लस काइंड इज इक्वल्स टू टू मॉर्फ्स, मॉर्फ्स भी दो होंगे, मॉर्फीम्स भी दो होंगे, क्योंकि हम इनकी फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन भी देख रहे हैं. लेकिन अगर हम ये वर्ड लें वेंट, तो इसमें मॉर्फीम्स कितने हैं? इट विल बी गो प्लस ईडी. गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, ठीक है, गो की पास्ट फॉर्म है वेंट, तो कितने मॉर्फीम्स होंगे इसमें? टू मॉर्फीम्स. लेकिन जब हम मॉर्फ्स की बात करेंगे इट इज वन. ठीक है, यस, अब समझ में आ गया बच्चे आपको? तो मॉर्फ विल बी वन. मॉर्फ डिपेंड करता है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पे. ठीक है जी, मॉर्फ डिपेंड करता है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पे. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रुप टुमारो. डू गिव योर रिस्पॉन्स, डू ज्वाइन दैट ग्रुप. And thank you everyone. Keep learning, keep preparing hard. Have a very good day.